अगर आप भी जियो सिम इस्तेमाल करते हैं तो आप तो जानते ही होंगे कि जियो ने इमरजेंसी डेटा लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। आप इसे लेना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर इमरजेंसी डेटा को लेना कैसे है, तो इस वीडियो में पूरा स्टेप टू स्टेप बताऊँगा किस तरह से आप जियो में इमरजेंसी डेटा लोन ले सकते हैं, वो भी 5 GB बिल्कुल फ्री में। मेरे पास 3 डॉट यहाँ पर 3 लाइन सामने शो हो रही है, हमें 3 लाइन पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा वो नाम आ जाएगा, नंबर और प्रीपेड वॉल्टी करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हमें छोटा सा एरो का निशान शो हो रहा है, हम इस एरो वाले निशान पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस एरो वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिचार्ज योर नंबर, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, इमरजेंसी डेटा लोन। हमें इमरजेंसी डेटा लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। नीचे प्रोसीड का ऑप्शन हो रहा है, हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने 5 GB डेटा लोन ऑलरेडी ले भी लिया है और इसको ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि जब जैसे ही मैंने जाना था कि 5 GB डेटा हमें फ्री में मिल रहा है लोन के रूप में, और इस लोन को हम चुकाएं या फिर ना चुकाएं कुछ भी हमारी सिम इन्फेक्टेड अभी हमारा नंबर इन्फेक्टेड नहीं होगा, तो हमने तुरंत 5 GB ले लिया और इसको इस्तेमाल भी कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जब मैं इस रिचार्ज को भुगतान कर दूँगा तो इसके बाद हमें मुझे फिर से 5 GB डेटा लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 GB अभी डेटा नहीं लिया होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डेटा वाउचर 1 GB एंड अवेलेबल क्वांटिटी 5 यहाँ पर दिखा रहा है, आउट ऑफ 5, यानी कि हमने अभी तक 1 भी इमरजेंसी डेटा लोन नहीं लिया है तो हमारी क्वांटिटी 5 दिखा रही है, यानी कि 5 बार हम 1 GB करके ले सकते हैं। इसके लिए आपको गेट इमरजेंसी डेटा पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन हो रहा है एक्टिवेट नाउ, जैसे आप देख पा रहे होंगे जियो नंबर इमरजेंसी डेटा बेनिफिट्स 1 GB है टिल एक्टिव प्लान, यानी कि आपका प्लान जो एक्टिव है इसकी वैलिडिटी भी उतनी ही होगी, तो हमें एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमरजेंसी डेटा लोन एक्टिवेटेड, देन जियो नंबर आ रहा है 1 GB यहाँ पर, टिल एक्टिव प्लान, यहाँ पर रेफरेंस आईडी वगैरह हमें सब शो हो गई है, योर फीडबैक मेक अस बेटर एंड यस या नो, हम यहाँ पर कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे आप इमरजेंसी डेटा लोन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं अगर आप 5 GB डेटा लोन ले लेते हैं लेकिन अगर 1 GB का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी ना तो इससे सिम इफेक्टेड होगी ना तो आपको मोबाइल नंबर, काफ़ी सारे लोग हैं भ्रांत फैला रहे हैं कि आपका नंबर बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद या फिर आपकी सिम इन्फेक्टेड होगी कुछ वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप अगली बार से रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, जब रिचार्ज करेंगे तो आपके रिचार्ज से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी जियो कस्टमर केयर से बात कर ली है, उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप इसको इस ऑप्शन पर जाकर भुगतान करेंगे यानी इमरजेंसी डेटा लोन वाले ऑप्शन पर जाकर भुगतान करेंगे तभी यह भुगतान होगा, ऑटोमेटिकली किसी भी अन्य मोड के जरिए भुगतान नहीं होगा। तो आप निष्पक्ष रहिए और 5 GB फ्री डेटा का लुत्फ उठाइए। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज और अधिक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार।